की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के दौरान हम सब आज योग सीखेंगे। तो योग शुरू करने से पहले प्रार्थना से शुरुआत करें, क्योंकि प्रार्थना से हमारा मन परमात्मा के यहाँ, इसलिए प्रार्थना से शुरुआत करें। आंखें बंद कर सीधा से सुखा से प्रार्थना मुद्रा में बैठ सकते अपने अपने हिसाब से। वेरी गुड, एकदम सीधा बैठना, एकदम तट्टा। प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ साथ आप सभी को प्रार्थना। संगचत्वं संबदत्वं संभो मनसि जानता देवावागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। योगा अभ्यास करने से पहले योग के लिए शरीर को तैयार करना पड़ता है। तो शरीर को तैयार करने के लिए सूक्ष्म क्रियाएं करनी जरूरी है। आप सूक्ष्म क्रिया कैसे करोगे? क्योंकि सूक्ष्म क्रिया आसन करने से पहले की, प्राणायाम करने से पहले सूक्ष्म क्रिया की जाती है। तो ज्यादातर योगा अभ्यास करने से पहले सूक्ष्म क्रिया की करते हैं सब। तो आज हम 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के दौरान हम सुख प्रार्थना के बाद सूक्ष्म क्रिया से शुरुआत करेंगे। सूक्ष्म क्रिया यानी कि शरीर को एकदम फ्लेक्सिबल बनाते हैं, फिर आप तैयार हो जाते हैं योग के लिए, प्राणायाम के लिए, आसन के लिए। तो करना क्या है, बस एकदम सीधा बैठना। पहले हम गर्दन की सूक्ष्म क्रिया करेंगे, धीरे धीरे ऐसे सांस को बाहर निकालते हुए आगे को ले जाओ, धीरे धीरे सांस को। फिर से यह अभ्यास हम 3 बार करेंगे। इसके बाद साइड टू साइड ऐसे गर्दन को ऐसे करेंगे, वो भी 3 बार अभ्यास करेंगे ऐसे। वेरी गुड, इसी तरह राइट टू लेफ्ट गर्दन राइट से लेके लेफ्ट तक सांस को पकड़ते हुए बाहर निकालते हुए ये क्रिया करनी है आपको। श्वास श्वास की गति के ऊपर नियंत्रण रखना, 3 बार करेंगे सेम पोजीशन में अपोजिट साइड। एकदम रिलैक्स, ये गर्दन की सूक्ष्म क्रिया आपकी गर्दन योगा अभ्यास करने से पहले अटक न जाए, एकदम फ्लेक्सिबल हो जाए, इसके लिए की जाए। इसी तरह हम हाथ की सूक्ष्म क्रिया, दोनों हाथ को ऐसे कंधे के समांतर रख एकदम ऐसे करना है। तो जब आप ये सूक्ष्म क्रिया करनी है, ये भी 3 बार करेंगे आप, तो ही आप आसन अच्छी तरह से कर पाओगे, प्राणायाम अच्छी तरह से कर पाओगे। सेम अभ्यास ऐसे धीरे धीरे आगे की ओर। इसी तरह अपोजिट साइड ऐसे सेम पोजिशन के बाद श्वास की गति के अंदर नियंत्रण रखना चाहिए, धीरे धीरे उठो छोड़ते जाओ। इसी तरह ऐसे
हाथ की सूक्ष्म क्रिया। सूक्ष्म क्रिया यानी कि सिंपल क्रिया है। फिर ऐसे हाथ को ऐसे, दोनों हाथ को इसी तरह। आपको देख के सभी को यही करना है। देखो अपने आप, आपके हाथ के अंदर जिसको कमजोर होंगे, जिसके अंदर ऊर्जा कम है वो थक जाएंगे, जिसके अंदर ज्यादा है ज्यादा देर तक कर पाएंगे। ऐसे वेरी गुड। तो ये हुई हमारे हाथ की गर्दन की सूक्ष्म क्रिया। अब हम कमर की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। तो अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाना है सभी। ऐसे गर्दन के ऊपर हाथ रखना, धीरे धीरे ऐसे ट्विस्ट करना। अपोजिट साइड सेम टू सेम। इसी तरह फिर दोनों हाथ को समांतर रखने, कंधे के समांतर धीरे धीरे ऐसे करते हो, पीछे टिके रहना। बड़े हो बुजुर्ग हो, खास करके स्टूडेंट को ज्यादा लाभ होते हैं। छोटी उम्र के अंदर योगा अभ्यास करते हैं तो एकदम उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। फिर दोनों हाथ को आगे की ओर रखना और ऐसे जितना हो सके इतना टिके, जितना हो सके। फिर मोर पोजिशन में फिर से यही अभ्यास करेंगे दूसरी बार। वेरी गुड, टिके रहना है सभी। फिर से मूल पोजीशन तीन बार करना है अभ्यास। टिके रहना है। फिर ऐसे अपने जो घुटन की सूक्ष्म क्रिया ऐसे करना, शरीर एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, शरीर एकदम ब्राइट होना चाहिए। जब तक आपका शरीर जो है फ्लेक्सिबल नहीं बन जाता तब तक आप कुछ नहीं कर पाते। इसके लिए शरीर को अच्छा बनाओ, एकदम बेस्ट बनाओ, बढ़िया बनाओ। फिर ऐसे ऐसे करना है तीन से चार बार, तो अपने आप शरीर गर्म हो जाएगा। फिर दोनों हाथ को ऐसे रखना और फिर ऐसे ये सूक्ष्म क्रिया करनी जरूरी, एकदम शरीर बढ़िया हो जाएगा। देखो रिलैक्स। तो ये सब सूक्ष्म क्रिया शरीर को तपाने के लिए है, एकदम परफेक्ट बनाने के लिए ये सभी सूक्ष्म क्रिया। अब हम आसन से शुरुआत करेंगे। पहला आसन है ताड़ासन, यानी कि ताड़ के वृक्ष जैसा, उससे ऊपर से ताड़ासन। तो आपको क्या करना, बस अपनी जो पैर है उसके पैने के ऊपर खड़े रहना, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरते हुए ऐसे आगे की ओर दोनों हाथ को एंट्री लो और फिर ऐसे बात करेंगे। धीरे धीरे सांस को भरते हुए आगे की ओर हाथ ले जाएंगे और ऊपर की ओर हाथ। वेरी गुड। अब हम वृक्षासन करेंगे। ये जिसकी हाइट कमजोर है, जिस बच्चे को तकलीफ होती है हाइट के अंदर, छोटे दिखते हैं, जिसको कमजोरी, इस बच्चों के लिए पहले तो सीधे रखने के लिए कोई भी एक बिंदु को देखो, इससे तीन पावर बढ़ता है। जो एक पैर है उससे बगल में दूसरा पैर, हथेली की यहाँ मूलाधार के अपना पैर रखो, राइट पैर है इसके ऊपर ले और ऐसे धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हो। ऐसे टिके रहो, टिके रहो।
अपना जो इसी तरह अपोजिट साइड सेम टू सेम क्रिया मुझे देखना है सभी और टिके रहना है। आपके यहाँ धैर्यता कितनी है, आप कितने फ्लेक्सिबल हो, ये आसन से पता चल जाता है। ये वृक्षासन तो आपको देखा होगा कि ये जो आसन है वो सब शरीर के फायदे के लिए है। तो अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार इसलिए करेंगे क्योंकि सूर्य नमस्कार कम से कम 5 से 10 बार करना चाहिए। वो ऊर्जा जबरदस्त शरीर के अंदर पावर देती है सूर्य नमस्कार। आपने देखा होगा सभी जगह पे सुबह में सूर्य नमस्कार करते हुए पाए जाएंगे। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए आपको क्या करना है, एकदम सीधा खड़े रहना है। सूर्य नमस्कार सुबह में कब आप आरामदायक स्थिति में किया जाए तो आपके शरीर के लिए बेस्ट उपाय है क्योंकि जब सूर्य का पहला किरण हमारे ब्रह्मरंध्र के ऊपर गिरता है तो पूरे शरीर को ऊर्जावान बना देता है। इसलिए सूर्य नमस्कार का बहुत बड़ा योग के अंदर महत्व दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। पहले हम स्टेप 1 स्टेप 2 छिकी स्टेप 3
और ज़्यादा स्पीड से सांस लोगे तो नुकसान है आपको, लेकिन धीरे धीरे आरामदायक स्थिति में लोग तो बढ़िया फायदा होगा। पसीना शरीर से जब तक नहीं निकलता तब तक आपके अंदर ऊर्जा नहीं आती। जब तक इंसान के अंदर पसीना नहीं आता तब तक वो कुछ नहीं कर पाता, इसलिए पसीना आना चाहिए। कोई भी योगिक क्रिया कर, कोई भी आप कसरत करो तो उसके अंदर जब तक पसीना आए तभी उसका फायदा है शरीर के अंदर, जब तक पसीना ना आए तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी, एकदम सीधा बैठना है, बढ़िया तरीके से सीधा एकदम बैठना, लंबी गहरी सांस लेना और फिर भस्त्रिका का प्राणायाम, दोनों हाथ को ऊपर उठाना है ऐसे। पहले सांस को भरो, हाथ के साथ साथ ही सांस भरते हुए ऊपर ले जानी और धीरे धीरे बाहर निकालिए। जो इंसान कोई भी रोग से दूर रहना चाहता है तो उसको योग करना चाहिए, कोई भी रोग हो उससे भाग्य है। तो फिर से ये जिसकी फेफड़े कमजोर है उसके लिए ये अभ्यास है, फिर उसको बढ़ाते जाना है। एक मिनट के अंदर साइड बात
बाहर निकाल। फिर से बाहर निकालने के बाद दोनों नाक को बंद करो। स्लोली स्लोली फिर से राइट नाक से सांस को भरो, दोनों नाक को बंद करो। धीरे धीरे लेफ्ट नाक से सांस को बाहर निकालो, दोनों नाक को बंद। ये एक आवृत्ति हो, इसी तरह हमको तीन आवृत्ति करनी है। एक हो गई, दो बाकी। तो फिर से राइट नाक से सांस को बंद करेंगे, लेफ्ट नाक से धीरे धीरे स्लोली स्लोली साइड अपने भीतर ले जाएंगे। फिर दोनों नाक को बंद करेंगे धीरे धीरे, फिर से राइट नाक से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर से धीरे धीरे अपने शरीर के भीतर सांस को राइट नाक से लेंगे। फिर से यही स्थिति करेंगे, लेफ्ट नाक से सांस को भरे, राइट नाक से निकाले, फिर से राइट नाक से भरे, धीरे धीरे लेफ्ट नाक से सांस को बाहर निकाले। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भयंकर से भयंकर रोग को दूर करने के लिए बलशाली सक्षम है। इंसान को जब दिमाग के अंदर ज्यादातर नेगेटिव ऊर्जा अपने अंदर भीतर प्रवेश कर जाती है, उसको दूर करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे बड़ी शक्ति देता है। इसको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम देखिए। शरीर के अंदर 72,000 नाड़ी, इसमें मुख्य नाड़ी 3 है। तो शुद्ध करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। पहले धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे तो शरीर के अंदर से धीरे धीरे पसीना आएगा। आधे घंटे तक करोगे तब पता चलेगा कि ये शरीर के अंदर काम कर रहा है। बिना गुरु के ये अभ्यास नहीं करना चाहिए, खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए कोई गुरु के शरण में जाके ही ये अभ्यास करना है। जितना फायदा कारक है उतना ही नुकसान कारक है। इसलिए किसी के पूछ के ही ये योगा अभ्यास करना चाहिए, वरना साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जब तक कोई अच्छा गुरु ना मिल जाए तब तक ये प्राणायाम अपने हिसाब से बहुत कम करना चाहिए। तो यह अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर को सबसे ज्यादा बल देता, शक्ति देता, आध्यात्मिक ओर जाने की प्रेरणा देता, इंसान को तरोताजा कर देता है और एकदम शरीर को शुद्ध बना देता है। अब हम 3 बार ओंकार करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, परमात्मा को याद करेंगे। अब और मह 3 शब्द से बना हुआ ओंकार शरीर को वात पित्त और कफ जन्य रोगों को दूर करने में अति बलशाली है, ऊर्जा प्रदान करने में भी अति बलशाली है। प्राणों प्राणायाम का उच्चारण इंसान करता है तो परमात्मा के यहाँ पहुंचने की शक्ति धीरे धीरे उसके अंदर भीतर आ जाती है। जितनी भी कुदरत के पास शक्तियां हैं, ऊर्जा है, वो धीरे धीरे शरीर के अंदर प्रवेश करने लग जाती है। हमारा शरीर है वो परमात्मा के यहाँ जाने लगता है, उसके शरण में जाने लगता है। तो प्राणों प्राणायाम 3 बार हम करेंगे, लंबी गहरी सांस। फिर से लंबी गहरी सांस। बहुत सारी ऊर्जा
जिसको हम पुकारते हैं वो हमारे पास आता है, इसी तरह हम परमात्मा को भी पुकारेंगे तो वो भी हमारे पास आएंगे, वो भी हमको मदद करेंगे, हमको शक्ति देंगे, हमको ऊर्जा प्रदान करेंगे। ध्यान में जाने से पहले इंसान को सीधा बैठना चाहिए, एकदम सीधा, करोड़ सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, शरीर को एकदम ढीला चाहिए, श्वासोश्वास की गति नॉर्मल रहनी चाहिए, लंबी गहरी नहीं सांस लेना है, मीडियम सांस लेना है, इसके अंदर धीरे धीरे सांस भरो और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालो, धीरे धीरे सांस को अपने भीतर ले जाओ और धीरे धीरे सांस को अपने बाहर निकालो। ध्यान करना है एकदम सीधा, परमात्मा को याद करो, अब अपना मन को एकदम स्थिर करो, दूर दूर से आने वाली आवाज अपने भीतर ले जाओ। धीरे धीरे आपका ध्यान जो है अपने राइट पैर के उंगलियों के ऊपर ले जाओ, वही ध्यान को धीरे धीरे आगे क्यों ले जाओ, अपने घुटन के ऊपर, मूलाधार के ऊपर, लेफ्ट पैर के घुटन के ऊपर, उसकी इंद्रिया के ऊपर ले जाओ, फिर से वापस लाओ, धीरे धीरे नाभि की ओर ले जाओ। धीरे धीरे ध्यान छाती के यहाँ ले जाओ, धीरे धीरे वही ध्यान को अपने गर्दन के यहाँ ले जाओ, धीरे धीरे वही ध्यान को अपने नाश के अग्र भाग के ऊपर ले जाओ, धीरे धीरे दोनों कमर के बीच में अग्र शक्ति उसको देखने की कोशिश करो। जिस इंसान को ये शक्ति दिख रहा है समझ लो उसके पास बाहुबली शक्ति होती है, उसको देखने की कोशिश करो, श्वास श्वास की गति नॉर्मल करो, हमारे स्पिरिट को स्थिर करो, अपना माइंड जो है उसको प्रेस करने की कोशिश करो। इंसान का शरीर ज्यादातर नाशवंत है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, इसलिए परमात्मा ने योग विद्या दी हुई, वेद दिए हुए, पुराण दिए हुए, इसमें से सीख के इंसान प्रबल बलशाली हो और परमात्मा के यहाँ पहुंच सके, उसको परम सुख की प्राप्ति हो, इसलिए योगाभ्यास करना चाहिए। ये दौड़ धाम भरी जिंदगी के अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान लगाओगे तो आप समाधि की ओर तक जा पाओगे। ध्यान के बाद आता है लास्ट में समाधि, और जो समाधि में चला गया वो इंसान परमात्मा के यहाँ होता है, परमात्मा के पास होता है, उसको सब सुखों की प्राप्ति होती है, उसको सभी प्रकार के सुख मिलते जो आनंद देने वाले होते हैं, परम आनंद देने वाले होते हैं। अब हम ये ध्यान के अंदर शांति पाठ करेंगे, सबके कल्याण के लिए शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबका कल्याण, सबको तेजो मिलो, सब लोग ताकतवर बने, बलवान बने, सब लोग ऊर्जावान बने, इसके लिए परमात्मा उसको शक्ति दे, भक्ति दे, दोनों हथेली शक्ति एकदम आपके ऊपर लगे, आंखें हथेली के अंदर ही खोल दी। ओम सबको मेरा प्रणाम, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।